अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ तुलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमाम का विशेष इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे जमात पंजुम मजमून जहनी आजमाइश स्कॉलरशिप इम्तिहान का जो सिलेबस है, जो निसाब है, उसकी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं हम। प्यारे बच्चों, आज हम जो है लेक्चर 10 नंबर पढ़ने वाले हैं, उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 10 में देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो यहाँ सब टॉपिक है ज़ेली जुज़ है 3.4। क्या है 3.4? गलत रुकन पहचानिए, गलत रुकन पहचानिए। क्या कुछ अहम नुकात दिए हुए, इसको हम गौर से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि आदात की तरतीब पहचाना इस किस्म के सवालों की तरह सवाल में मखसूस तरतीब में आने वाले आदात का ग्रोह दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक ग्रुप दिया जाता है, ग्रोह दिया जाता है आदात का। इस सवाल में एक रुकन मुख्तलिफ होता है। कैसा होता है? मुख्तलिफ, अलग होता है। एक रुकन जो है वो अलग होता है। इस रुकन का पहचानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है एदाद में बढ़ने या इजाफा होने का मरहला। सबसे पहले देखना है कि आदाद में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, ठीक है। मुफरद आदात, मकब आदात की तरतीब, इसी तरह जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम जैसे रियाजियाती अमल का ताल्लुक सवालिया सिलसिले में होता है। उसे पहचानकर गलत रुकन पहचानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इन तमाम बातों का को ध्यान में रखकर हमको जो है गलत रुकन की निशानदेही करना होती है। रियाजियाती अमल का मुफरद आदात, मकबी आदात, मुरबी आदात, बहुत सारे हमने इसके पहले जो है रियाजी में बहुत सारी रियाजी की मालूमात हम हासिल भी कर रहे हैं और रियाजी का निसाब भी हम पढ़ रहे हैं, तो आप वहां जाकर रियाजी के और तफसील से मालूमात हासिल कर सकते हैं। रियाजी के पैर बच्चे, रियाजी के स्टडी और रियाजी की पढ़ाई से एक फायदा ये होता है कि उसका हम जहनी आजमाइश मजमून के अंदर भी हमको उससे मदद मिलती है। तो एक मजमून की पढ़ाई करते वक्त हमको वो सारा जो है जहनी आजमाइश के मजमून की पढ़ाई भी हो जाती है। चूंकि रियाजियाती अमल के जरिए से बहुत सारे जो जहनी आजमाइश के सवालात है और टॉपिक्स है, ये उसी पर डिपेंड है। हम यहाँ देखें सवाल नंबर 1 से 15 के लिए हिदायत। मंदरजा अदेजी सिलसिले में गलत रुकन पहचानिए 13, 11, 8, 7, 5, 3। तो यहाँ गौर करेंगे बच्चों, तो सबसे बड़ा जो लॉजिक यहाँ पर दिया हुआ है, आदात इधर इस तरफ से बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरफ से आदात जो है वो बढ़ रहे हैं, तो 3 से 5 हुआ है तो +2 का इजाफा हुआ है, 5 से 7 हुआ है तो +2 का इजाफा हुआ है, 7 से 8 हुआ है तो +1 का इजाफा हुआ, ठीक है। फिर यहाँ 9 आना चाहिए, अगर +2 करते तो यहाँ 9 आता, तो 9 से अगर 2 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से 2 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, यहाँ +2 का लॉजिक है, +2 का लॉजिक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। हमारा जवाब जो रहेगा यहाँ पर मुतबादी नंबर जो है वो 2 रहेगा, क्योंकि 8 की जगह 9 आना चाहिए, ठीक है। 8 की जगह जो है वो 9 आना चाहिए। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे, 1, 4, 9, 15, 25, 36 और 49। तो प्यारे बच्चों, इन तमाम आदात पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें इन तमाम आदात में जो तमाम आदात जो है ये मुरब्बई आदात है, सिवाय 15 को छोड़कर। 15 को छोड़कर जो प्यारे बच्चे 15 है, क्योंकि तो 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, यहाँ 16 आना चाहिए, 4 का मुरब्बा 16 आता है तो 16 नहीं 15 है, 5 का मुरब्बा 25, 6 का 36, 7 का 49। तो जो गलत रुकने प्यारे बच्चों 15 है, तो मुतबादिल नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ना है, सवाल नंबर 3 देखेंगे, 39, 44, 50, 54, 59, 64, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों गौर करेंगे हम, तो यहाँ 39 से जो है इधर से इस तरफ से आएंगे, 64 से अगर हम 59 पर आते हैं तो -5 हो रहा है, ठीक है। 59 से 54 पर आते हैं तो -5 हो रहा है, 54 से 50 पर आते तो -4 हो रहा है, ठीक है। जबकि -5 का लॉजिक अगर यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ 49 आना चाहिए था, तो 49 में से हम -5 करेंगे तो 44 आएगा, और 44 में से -5 करेंगे तो 39 आएगा, ठीक है। इस तरह
तो माइनस पांच का लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। माइनस पांच का लॉजिक प्यारे बच्चों यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो हमारा जवाब जो रहेगा वो रहेगा मुतबादल नंबर 54 जो है 59, 54 से 49 होना चाहिए लेकिन 50 हो गया, तो ये जो है ये ऑड है, ये जो गलत रुकने है। तो मुतबादल नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा, मुतबादल नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 4 देखेंगे। 7/14, 8/15, 11/16, 13/17, 15/18, ठीक है। तो अगर गौर करेंगे प्यारे बच्चों, अगर गौर करेंगे तो यहां पर देखो प्लस वन हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी प्लस वन हो रहा है, यहां पर प्लस वन हो रहा है, यहां पर प्लस वन हो रहा है, तो नीचे तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा हमको, और जो है वो गलत रूप। ऊपर देखेंगे, ऊपर तो यहाँ पर प्लस वन हो रहा है, ठीक है, प्लस वन हो रहा है, और यहाँ पर जो है प्लस थ्री हो रहा है, ठीक है, यहाँ प्लस टू हो रहा है, यहाँ प्लस टू हो रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ यहाँ से जो है अगर यह नौ हो जाता, नौ यहाँ पर नौ आता तो प्लस टू होता, फिर नौ में 11 मिलाते तो प्लस टू होता। तो ऊपर जो है शुमार कुनिंदा में, प्यारे बच्चों शुमार कुनिंदा में, शुमार कुनिंदा में प्लस टू का लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नौ नौ आठ की जगह नौ आना चाहिए, तो आठ जो है 8/15 ये जो कसर है थोड़ा सी गलत रुकना हमारे लिए, ठीक है। तो मुतबादल नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बने सवाल नंबर 5 देखेंगे। 401, 512, 623, 735, 845, 956, ठीक है, 956। तो प्यारे बच्चों अगर गौर करेंगे हम, यहां पर देख रहे हैं यहां 4 से 5 हो जा रहे हैं, प्लस वन हो जा रहे हैं, फिर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ठीक है, यहां तो समझ में आ रहा है कि प्लस वन का लॉजिक हो रहा है यहां पर। उसको दूसरा रख देंगे, अगर हम 0 से 1 हुआ है, 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, 4 से 5 हुआ है, ठीक है, यहाँ भी प्लस वन का लॉजिक आ रहा है। अगर इस इकाई का देते 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, 3 से यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 5 हो गए, ठीक है, 4 होता तो फिर 4 से 5, 5 से 6, तो ये जो है यहाँ पर 734 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 734 आना चाहिए था, लेकिन जो है प्यारे बच्चे यहाँ पर 735, इसलिए हमारा जवाब जो रहेगा वो रहेगा 735, ये जो है गलत रुकन है। मुतबादल नंबर 4 हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ सवाल नंबर 6 देखेंगे। 1, 2, 4, 7, 10, 16, 22, ठीक है, सवाल नंबर 6 के अंदर प्यारे बच्चों यहाँ देखें, 1 से 2 हुआ है प्लस वन, 2 से 4 हुआ है प्लस टू, 4 से 7 हुए प्लस 3, अब 7 से प्लस 4 करेंगे हम तो 11 होना चाहिए लेकिन 10 हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है, 10 हुआ है। अब 11 से प्लस 5 करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 से प्लस 6 करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 का लॉजिक यहां पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहां 10 की बजाय 11 आता है, 11 आना चाहिए था लेकिन वो 10 जो है वो गलत रूप में, तो हमारा जवाब जो रहेंगे रहेगा मुतबादल नंबर 2, ठीक है, मुतबादल नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7, 2 से 5 हुए, 5 से 10, 10 से 18, 18 से 26, 26 से 37। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर लॉजिक क्या आ सकता है, तुमको गौर करना है। तो प्यारे बच्चों अगर गौर करें तो एक का, अगर एक का मुरब्बा लेते हैं और उसमें एक जमा करते हैं तो एक का मुरब्बा 1 जमा 1 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का मुरब्बा लेते हैं, उसमें जमा 1 करते हैं तो 2 दूए 4 और 1 मिलाएंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का मुरब्बा लेते हैं, उसमें जमा 1 करते हैं तो 3 का मुरब्बा होता है 9, 9 में 1 जमा करके 10, बरबर तरतीब से आ रहे हैं। अब 4 का मुरब्बा लेंगे, 16 जमा 1 करेंगे, 17 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर 18 दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, 18 दिया है। यहाँ 5 का मुरब्बा 25, उसमें जमा 1 करेंगे 26, बरोबर आया है, ठीक है। 6 का मुरब्बा 36,
जब मैं एक करेंगे 37 37 बराबर आया है। तो हमारे जवाब जो है मेरे बच्चों मुतबादिल नंबर 4 से रहे हैं कि 18 जो है 18 की जगह 17 आना चाहिए था, 18 की जगह। तो मुरब्बई आदाद का लॉजिक यहाँ पर है प्यारे बच्चों, मुरब्बई आदाद में प्लस वन किया गया है, मुरब्बई आदाद प्लस वन का लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। लॉजिक के बाद बहुत ध्यान से देखना है किस किस्म का लॉजिक क्वेश्चन के अंदर सवाल के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े सवाल नंबर 5 8 देखेंगे, 45 60 74 90 105 120। तो प्यारे बच्चों हम गौर करेंगे तो ये 15 के इजाफे के साथ में बढ़ा है, 15 का इजाफा का लॉजिक है, ठीक है, 15 के इजाफे का लॉजिक है। गौर करेंगे 45 में प्लस 15 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में प्लस 15 करेंगे तो 75 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 74 है। अब 75 में प्लस 15 का करेंगे तो 90 होगा, 90 में प्लस 15 करेंगे तो 105 हो जाएगा, और 105 में प्लस 15 करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 74 की जगह 75 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 74 दिए, तो मुतबादिल नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है, मुतबादिल नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब रहेगा प्यारे बच्चों। आगे हम सवाल नंबर 9 देखेंगे, 2 से 22 22 से 32 32 से 62 62 से 102 102 से 152, ठीक है, 102 से 152। तो प्यारे बच्चों अगर हम गौर करेंगे यहाँ पर तो 2 से 22 के अंदर प्लस 10 का इजाफा हुआ है, ठीक है, 22 से 32 के अंदर प्लस 10 का इजाफा हुआ, सॉरी यहाँ प्लस 20 का इजाफा हुआ है, ठीक है, प्लस 2 से 12, अब प्लस 20 का इजाफा हो रहा है प्यारे बच्चों, 22 से 32 के अंदर जो प्लस 10 का इजाफा हो रहा है, 32 से 62 के अंदर प्लस 30 का इजाफा हो रहा है, ठीक है, 62 से 102 में प्लस 40 का इजाफा हो रहा है, और 102 से 152 के अंदर प्लस 50 का इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो यही लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो 2 से प्यारे बच्चों 2 से यहाँ पर 2 से 12 आना चाहिए था तो प्लस 10 का इजाफा होता, ठीक है, 2 से 12 यहाँ पर आता तो प्लस 10 का इजाफा होता, ठीक है, 2 से अगर 12 आता वहां पर तो प्लस 10 का इजाफा होता, लेकिन यहाँ पर 32 दे दिया है, ठीक है। तो 22 जो ये गलत रुकना है तो मुतबादिल नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ के सवाल नंबर 10 देखेंगे, सवाल नंबर 10 पर अगर हम 6 को 2 से तकसीम करते हैं तो जवाब 3 आ रहे हैं, ठीक है, 12 को 2 से तकसीम करते तो जवाब 6 आ रहे हैं, 26 को 2 से तकसीम करें तो 13 आएगा, ठीक है, और यहां पर 48 को 2 से तकसीम करें तो 24 जवाब आएगा, और 96 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 चौक 8 2 8 16 48 आएगा, ठीक है, यहाँ 48 आ रहा है, यहाँ 24 आना चाहिए, अगर यहाँ 24 है तो यहाँ 12 बराबर आता है, 12 बराबर आ रहा है, फिर यहाँ 6 बराबर आ रहा है, यहाँ 3 बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 26 की जगह 24 आना चाहिए था, ठीक है, 24 की जगह क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए था। तो मुतबादिल नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा, मुतबादिल नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। लॉजिक पर प्यारे बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पर तकसीम 2 का लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तकसीम 2 का लॉजिक इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 1 से 8 8 से 27 27 84 84 से 125 25 से 116 216। तो मेरे जो गौर करने हमको पता चल रहा है कि ये जो है मकबी आदाद है, कौन से आदाद है, मकबी आदाद है, ठीक है, कौन से आदाद है, मकबी आदाद। 1 का क्यूब जो 1 का मकब 1 ही होता है, अब ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ठीक है, 4 का क्यूब प्यारे बच्चों, 4 ज़र्ब 4 ज़र्ब 4, ठीक है,
चार चौक सोलह, सोलह चौक चौसठ आना चाहिए था, चौसठ, लेकिन यहाँ 84 दिया, तो ये जो है थोड़ा गलत लग रहा है। अब पांच के क्यों प्यारे बच्चों, पांच पांच पच्चीस, पच्चीस पंजे 125, ठीक है। छह के मुरब्बा छह छत्तीस, छह जरब छह जरब छह इज इक्वल टू छह छह छत्तीस, छत्तीस छक्के 216, ठीक है 216। तो जो आउट प्यारे बच्चों चौरासी, चौरासी की जगह चौसठ आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, चौसठ आना चाहिए था, हमारा जो मुतबादिल नंबर दो सही जवाब रहेगा, ठीक है। पहले जो लॉजिक पर ध्यान देना है, लॉजिक कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा लॉजिक कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, उस पर बहुत ध्यान देंगे। सवाल नंबर 12 देखेंगे, तीन से तेरह, तेरह से तेईस, तेईस से तैंतीस, तैंतीस से तिरपन, तिरपन से तिहत्तर। तो जाहिर सी बात है पहले यहाँ पर जो है गौर करेंगे, दस 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 तो प्लस दस का इजाफे का लॉजिक हो रहा है पहले बच्चों, तीन में दस मिलाएंगे प्लस दस करें तेरह, तेरह में प्लस दस करेंगे जो तेईस, तेईस में प्लस दस करेंगे तैतीस, तैतीस में प्लस दस करेंगे तैतालीस आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था तैतालीस, लेकिन तैतालीस हमारे मुतबादिल में तो नहीं है, ठीक है तैतीस तैतालीस प्लस दस प्लस दस प्लस दस प्लस बीस फिर प्लस बीस, तो ये लॉजिक तो पहले बच्चों नहीं बैठ रहा है, प्लस दस का लॉजिक यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, तो कौन सा लॉजिक बैठ सकता है, तो गौर करें पहले बच्चों, तो ये तमाम आदात जो हमको दिख रहे हैं, तमाम आदात जो दिख रहे हैं, देखो तीन भी जो है मुफरद अदद है, हाँ ये लॉजिक समझ में आ रहा है, तेरह भी जो मुफरद अदद है, तैतीस तेईस भी जो मुफरद अदद है, तिरपन मुफरद अदद है, तिहत्तर मुफरद अदद है, तो सिर्फ जो तैतीस है मुफरद अदद नहीं बल्कि इसकी जगह तेरह चालीस आना चाहिए था, ठीक है तैतीस की जगह जो तेरह चालीस आना चाहिए था, तैतालीस आना चाहिए था, तो हमारा जवाब जो रहेगा मुतबादिल नंबर एक जो सही जवाब रहेगा, क्योंकि तैतीस यहाँ गलत दिया हुआ है, तैतीस की जगह कौन सा अदद रहना चाहिए था तैतालीस, ठीक है। आगे बढ़े सवाल नंबर तेरह देखेंगे, नौ दुनी अठारह, अठारह दुनी छत्तीस, छत्तीस दुनी बहत्तर, ठीक है। जरब दो का लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, जरब दो, यहाँ जरब दो है, यहाँ जरब दो है, यहाँ जरब दो है, तो जरब दो होने के बाद यहाँ बहत्तर होना चाहिए था, छत्तीस दुनी बहत्तर, बहत्तर दुनी 144, ठीक है। तो जरब दो का लॉजिक, लेकिन यहाँ चौहत्तर की जगह जो है, चौहत्तर की जगह बहत्तर होना चाहिए था, तो मुतबादिल नंबर चार हमारा सही जवाब रहेगा, बहत्तर यहाँ पर गलत रुकन है, सॉरी चौहत्तर जो है वो गलत रुकन है, ठीक है। आगे बढ़े सवाल नंबर चौदह देखेंगे, तो यहाँ पर जो लॉजिक इस्तेमाल है मेरे बच्चों, यहाँ पर चार से जो है नौ हो गया है, ठीक है, तो चार दुनी आठ और प्लस वन नौ, नौ दुनी अठारह प्लस वन उन्नीस, उन्नीस दुनी अड़तीस प्लस वन उनचालीस, यहाँ उनचालीस आना चाहिए था, ठीक है, प्लस टू जमा एक, ठीक है, प्लस टू जमा एक का लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब उनतालीस दुनी जो है, उनतालीस दुनी अठहत्तर होता है, अठहत्तर में एक मिलेंगे नवासी, उनासी, अब उनासी दुनी एक सौ अट्ठासी, अट्ठासी में एक जमा करेंगे एक सौ नब्बे, तो बराबर आ रहे हैं यहाँ पर अड़तीस की जगह उनचालीस आना चाहिए था, इंटू टू प्लस वन, जरब दो जमा एक का लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जरब दो जमा एक का लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, हमारा जवाब जो रहेगा मुतबादिल नंबर दो, अड़तीस की जगह उनचालीस आना चाहिए था, अड़तालीस जो अड़तीस जो है इस सीरीज में गलत रुकन है, ठीक है। आए रहे पचासी, पचासी इकसठ से अड़सठ, अड़सठ से सत्तर, इकसठ सड़सठ, तो मेरे बच्चों गौर करें यहाँ तो ये प्लस सात हो रहा है, ठीक है, फिर प्लस दो हो रहा है, प्लस दो हो रहा है, फिर प्लस
सॉरी 61 से 68। फिर प्लस 6 हो रहा है, फिर यहां पर प्लस 3 हो रहा है और यहां पर प्लस 6 हो रहा है। ठीक है, तो प्लस 6 अगर पहले बच्चा 61 से अगर 67 होता तो प्लस 6 होता। ठीक है, 61 से 67 होता तो प्लस 6 होता है यहां पर 67। अब 67 में प्लस 3 करते तो 70 होता, 70 में प्लस 6 करते तो 76 होता, 76 में प्लस 3 करते तो 89 होता, 89 प्लस 6 करते तो 85 होता। तो मेरे बच्चे यहाँ 68 की जगह 67 आना चाहिए था, तो प्लस 6 और प्लस 3। ठीक है, प्लस 6 और प्लस 3 का लॉजिक इस्तेमाल होता है यहाँ पर इस तरफ से। ठीक है, इस तरफ से प्लस 6 और प्लस 3 का लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल होता है अगर यहाँ पर 67 की 68 की जगह जो है 67 होता तो। हमारा जवाब जो रहेगा मुतबादिल नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा, मुतबादिल नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हमारा जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 जो है यहीं पर खत्म होता है। अब आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।